Hello students, welcome to my channel Brain Booster and this is Jyoti. Today I will tell you about the electrophilic substitution of arenes. So what is electrophilic substitution? So let's begin with this topic, जो कि हमारा topic chapter 10 class 12th chemistry में से है. So let's begin with this topic, that is electrophilic substitution. Electrophilic substitution of haloarenes. This is the chemical property of haloarenes. Haloarenes की chemical property है. अगर हम haloarene की बात करें तो मैं ring के साथ halogen की बात कर रही हूँ. Halogen atom जो है वो ring के साथ लगा हुआ है. Electrophilic. What is electrophile? The atom or group of atom which are deficient in electrons, or we can say they are electron lovers. तो ये हमारा benzene ring हो गया, and here we are generally giving X. Any halogen may be there. Electrophilic substitution. Substitution means by replacing something, some atom can be or a group of atom can be take the place. होगा कैसे? यहाँ तो हैलोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो व्हाट विल बी हैपन इस हैलोजन के पास, अगर हम हैलोजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो हैलोजन के पास 3 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं एंड इट इज इन द नीड ऑफ वन मोर इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल द ऑक्टेट. इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बिकॉज यहाँ पे जो रिंग है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डी लोकलाइज हो रहे होते हैं. यहाँ से लोन पेयर जो है वो रिंग के साथ कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड वी कैन गेट वन मोर स्ट्रक्चर. हमें एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ लोन पेयर हैलोजन से ले लिया है. अब जिससे ले लिया है इट विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड देन दिस लोन पेयर विल शिफ्ट and we will get a double bond here and this electron will come here. तो जो electron की density high जो है वो कहाँ पे हो जाएगी, at ortho position, यहाँ पे high हो जाएगी. So these, because these electron जो pi electron they are moving, तो ये यहाँ पे आगे चला जाएगा और ये जो pi electrons हैं they will move further. तो हमारे पास एक और इस तरह से structure बन जाएगा. We will have one more structure. क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ चलेगी, नाउ वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड हियर और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पहुंच गया, तो वी आर गेटिंग अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाउ पैरा पोजीशन और यहाँ जो हमारा हैलोजन है उसके साथ तो डबल बॉन्ड बना हुआ है और हैलोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है. क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं तो ये यहाँ पे मूव कर जाएंगे एंड नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वी विल अगेन गेट एट द ऑर्थो पोजीशन. सो ये वाला जो हमारा डबल बॉन्ड है एज इट इज रहेगा. ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन थे उनकी डेंसिटी हाई यहाँ पे हो जाएगी एंड अगेन वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड विद हैलोजन एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑफ द हैलोजन. यहाँ पे हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं. हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी आर हैविंग हियर? 4. और अगर हम फर्दर इसे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाएंगे एंड जो यहाँ डबल बॉन्ड है मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दे कैन मूव बैक टू द हैलोजन एंड वी विल गेट वन मोर स्ट्रक्चर. जिस स्ट्रक्चर से हमने स्टार्ट किया था वही स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा. हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड एंड फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड वी जस्ट रीच दिया, हम वहीं पे वापस आ गए हैं. ठीक है, ओनली थिंग इज दैट पहले हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड है बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. तो एट दिस वी आर हैविंग फर्स्ट एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर सेम. हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और फिफ्थ स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है. ड्यू टू दिस रेजोनेंस व्हाट विल हैपन, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हो जाएगी. ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस
will have high electron density. High electron density यहां पे हो जाए. अब जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो एटम भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, वो कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इंस्टेड ऑफ मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हुई नहीं. तो जो इलेक्ट्रोफाइल है मींस एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन. बट एज वी नो हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. हैलोजेंस क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. तो अगर ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग है उसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, एज वी ऑल नो दैट यहाँ पे जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से कम होती है, तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है उसे हैलोजन अपनी तरफ खींच लेगा. तो यहाँ पे एक और इफेक्ट आ रहा है, दैट इज द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर को जा रही है, एंड ड्यू टू दिस ये जो हमारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और जो हमारा हैलोजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अभी हमने देखा कि हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है ड्यू टू रेजोनेंस. यहाँ पे जो मैंने ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाए हैं यहाँ पे रेजोनेंस वर्क कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस, यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट काम कर रहा है. हियर रेजोनेंस इफेक्ट इज वर्किंग and here negative inductive effect will be working. अगर दोनों में इफेक्ट की बात करूं तो जो हमारा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज मोर एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट, और हम कह लें स्ट्रॉन्गर है रेजोनेंस इफेक्ट. नेगेटिव इफेक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट इट इज हम लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं स्ट्रॉन्गर कर लेते हैं स्ट्रॉन्गर. सो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट. यहाँ पे जो हमारे हेलो एलिन्स है वहां पे दो हमारे जो फोर्सेस है वो या हमारे दो इफेक्ट जो है वो काम करते हैं, वन इज रेजोनेंस एंड सेकेंड इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों में जो है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. इसीलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिंग तो होगा बट नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल. इसे करवाने के लिए हमें स्ट्रॉन्गर या ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे दोनों ही इफेक्ट काम करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है बट फिर भी ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे होगा बट इट विल बी कैरेट. जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो ई एंड सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ई एस आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल कैरेड आउट अंडर ड्रास्टिक, ड्रास्टिक मीन्स स्ट्रॉन्ग, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस. ये रिएक्शन तो होगा ही बट हमें यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन जो है ड्रास्टिक मीन्स स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जरूर होगा, सिर्फ हमें कंडीशंस जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर लेनी पड़ेगी. तो जल्दी से आप इसे नोट करें, और यहाँ पे अगर आपको कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि थ्रू दिस हेयर इंडक्टिव इफेक्ट इज वर्किंग बट स्टिल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, व्हाई? देन रीजन इज हेयर, हेयर बोथ इफेक्ट आर वर्किंग, दोनों ही इफेक्ट काम करते हैं बट ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल ऑल्सो वर्क बट वी हैव टू बी
आउट इन अ ड्रास्टिक कंडीशन। तो जल्दी से आप इसे नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक और शेयर करें। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।